क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइफ यशोदा बेन ने मनरेगा में मजदूरी की है? क्या आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मनरेगा में मजदूरी की है? क्या आपको पता है कि राजीव सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने भी मनरेगा में मजदूरी की है? क्या आपको पता है कि राजीव सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने भी मनरेगा के तहत मजदूरी की है? आपको लगेगा हम मजाक कर रहे हैं, होली तो कब की बीत गई, अब तो मजाक का कोई माहौल भी नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में न केवल यशोदा बेन बल्कि मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका ने भी मनरेगा के तहत मजदूरी की है। आप इसे जो भी समझे, सूचना के आधार के तहत जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है यह वही है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इन्होंने मजदूरी की है, न सिर्फ मजदूरी की बल्कि इन्हें उसका परिश्रम भी मिला। 1,09,000 रुपए की लागत से एक मुर्गी पालन शेड का वर्क ऑर्डर मिला था। इस काम के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को मेट नियुक्त किया गया था। यह काम 15 दिनों का था। प्रियंका ने अपने काम को बढ़िया से किया और सरकारी खजाने से उन्हें उनकी मजदूरी भी मिल गई। उन्होंने इसकी पावती भी दी है। अंगूठा लगा के गिरिडीह के हाड़ोडी गांव में एक कुएं का निर्माण होना था, उसका वर्क ऑर्डर के लिए राजीव गांधी को मेट नियुक्त किया गया। राजीव गांधी ने भी अपने 15 दिनों के काम को निष्ठापूर्वक अंजाम दे दिया। उन्हें भी सरकारी खजाने से धन दिया गया, उन्होंने भी धन की पावती दी है अंगूठा लगाकर। हीरो डी के बेंगा बांध पूर्वी इलाके में एक प्राथमिक कन्या विद्यालय का वर्क ऑर्डर हुआ था। इस कार्य के लिए यशोदा बेन को मेट नियुक्त किया गया। यशोदा बेन ने 15 दिन में बहुत मेहनत से काम किया। राज्य सरकार के तरफ से उन्हें धन भी दिया गया। यशोदा बेन ने भी धन की पावती दी है अंगूठा लगाकर। वहीं गिरिडीह के हाड़ोडीह में ही प्राथमिक विद्यालय में शेड निर्माण का वर्क ऑर्डर आया था। इस कार्य के लिए राहुल गांधी को मेट नियुक्त किया गया। राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत की और राज्य सरकार के खजाने से उन्हें उनका मेहनताना दिया गया। उन्होंने मेहनताना स्वीकार किया और अपने अंगूठे का निशान भी लगा दिया। अब आपको बताते हैं कि ये सब मामला आखिर क्या है। यह मामला है गिरिडीह में मनरेगा के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों में छाए भ्रष्टाचार का। गिरिडीह में एक अधिवक्ता अवधेश सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी कि मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में कितना काम हुआ है, कितने पैसे खर्च हुए और किन किन को इसके तहत काम मिला। वकील साहब के सवाल के जवाब में 14 मार्च 2019 को उस समय के बीडीओ ने 207 पन्नों की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराई थी। ये जो जानकारी आपको दी गई है वह उसी कॉपी के आधार पर दी गई है। चूँकि ये जानकारी सत्यापित है तो आप इसे बिल्कुल भी ऑथेंटिक मान सकते हैं। दरअसल गिरिडीह में मनरेगा में लगातार घोटाले हो रहे हैं। इस बार भी जो घोटाला हुआ वह मोटे तौर पर 25 करोड़ रुपए का घोटाला है। काम हुआ नहीं और पेमेंट कर दिया गया। पेमेंट का हिसाब किताब भी ऐसा रखा गया कि पूछिए मत। देश के बड़े और मूर्धन्य लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। क्या पीएम की वाइफ, क्या स्वर्गीय राजीव गांधी, क्या राहुल गांधी और क्या प्रियंका गांधी, सबको लपेटे में ले लिया गया। जिसने भी यह भ्रष्टाचार किया है उसने बड़े ही होशो हवास में नामों का चयन किया। जैसे उसने राजीव गांधी को जब मजदूर बनाया तो उनके पिता के नाम में स्वर्गीय फिरोज गांधी लिखना नहीं भूला। ऐसे ही जब वह राहुल और प्रियंका को मजदूर बना रहा था तो उसने पिता के नाम पर स्वर्गीय राजीव गांधी लिखा। इसका मतलब था कि वह भ्रष्टाचारी, पढ़ा लिखा, शातिर दिमाग और दिन दुनिया की खबर रखने वाला है। झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां के हर जिले में लगातार कोई ना कोई घोटाला होता ही रहता है। अब ये 25 करोड़ का घोटाला गिरिडीह में हुआ है। घोटाला आज का नहीं 2019 का है, इसलिए उस करप्शन को लोग थोड़ी देर के लिए भूल गए। अब करप्शन का यह मामला फिर से खुल गया है तो उम्मीद है कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।